चैनल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीसी ट्रेन कंट्रोलर बनाना सिखाऊंगा, जो कि आप अपने घर पे इजीली सिंपल वे में बना सकते हो। तो इसके लिए कुछ कंपोनेंट चाहिए होगा आप लोगों को, वो मैं वन बाय वन करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिया मैंने ये बॉक्स, ऑब्वियसली इसी बॉक्स में बनाने वाला हूँ, जैसे कि मैंने कम्युनिटी में डाला था और कई सारे बंदे ने तज़ीम कर लिया था मैं कंट्रोलर ही बनाऊंगा। तो बॉक्स मैं खुद भी बना सकता था पीवीसी से, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो टाइम बचाने के लिए मैंने सोचा कि रेडीमेड बॉक्स ही यूज़ कर लूँ। खैर इसे करते हैं साइड। अब आते हैं कॉम्पोनेंट के ऊपर। तो ये रहा कुछ कॉम्पोनेंट इसी चीज़ का यूज़ करके मैं बनाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है अपना PWM कंट्रोलर, ठीक है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। एक तो ये चाहिए आपको, देन ये वाला 12 वोल्ट डीसी फीमेल कनेक्टर, ये आपका टॉगल स्विच, ऐसे करेंगे फॉरवर्ड चलेगा ट्रेन, ऐसे करेंगे तो रिवर्स चलेगा। इसमें एक और वेरिएंट आता है न्यूट्रल वाला, ऐसे फॉरवर्ड बीच में रुक जाता है फिर वो न्यूट्रल रहता है, ऐसे करोगे तो रिवर्स। तो फिलहाल मेरे पास वो तो नहीं है, ये वाला टॉगल स्विच है फॉरवर्ड एंड रिवर्स। एक ये हो गया आपका, और आपको चाहिए ये मेल फीमेल कनेक्टर, और यहाँ से हमारा कह सकते हो वायरिंग जाएगी जो ट्रैक के अंदर कनेक्ट होगा नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये सिंपली ऐसे लगाकर हम यूज़ कर सकते हैं। और इस पिन का एक और फायदा है, देखो ये वाला अटैचमेंट यहाँ पे भी लग सकता है, मतलब एक आउटपुट से हम डुअल आउटपुट ऐसे करके निकाल सकते हैं। और मैंने सोचा एक्स्ट्रा एड ऑन ये वाला भी रख दूँ, ये है आपका वोल्ट मीटर, ठीक है। ये आप चाहते तो आप भी ऐड कर सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है, तो मैं कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से मैं ये लगा रहा हूँ ताकि मैं चेक कर पाऊँ अपना जो ट्रेन है कितने वोल्ट पे कितना तेज चलता है, बेसिकली यही रीज़न है, तभी मैं लगा रहा हूँ। तो फटाफट से करते हैं इसे असेंबल।
सो गाइस यहाँ पे अपना जो कंट्रोलर है एकदम रेडी हो चुका है। एक बार मैं आप लोगों को इसकी वायरिंग बता देता हूँ, कैसे क्या जोड़ा है मैंने इसमें वायर। तो ये यहाँ से खुल जाता है, तो सिंपली देखना है यहाँ पे आप, यह रहा अपना 12 वोल्ट का इनपुट और ये रहा अपना PWM कंट्रोलर। तो यहाँ से जा रहा है आपका माइनस वाला वायर यहाँ के वोल्ट के माइनस पे। देखो यहाँ पे वी लिखा हुआ है ना, ये देखो ये वोल्ट वाला सेक्शन, ये डीसी इनपुट से ये जो ब्लैक वायर है यहाँ पे वी माइनस में जा रहा है और यहाँ पे अपना है साइड में वी प्लस जो यहाँ से आएगा एडेप्टर से डायरेक्ट। और यहाँ पे दो देख सकते हो, मोटर प्लस और माइनस। मोटर और प्लस और माइनस का मैं वायर अभी बताता हूँ, उससे पहले आपको ये टोगल स्विच समझना पड़ेगा, इसकी वायरिंग जो अपना जो लोकोमोटिव है उसे रिवर्स चलने में हेल्प करता है। बेसिकली इसका काम फॉरवर्ड और बैकवर्ड में काम आता है। यहाँ पर देख सकते हो 6 पिन है, ठीक है, 1, 2 ये 3, 4, 5, 6। सिंपल वे में बताता हूँ समझना, आपको क्या करना है, इस वाले से इस वाले तक एक वायर जोड़ना है, जैसे कि मैंने ये ग्रीन वाला जोड़ के रखा है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक वायर जोड़ना है, देन इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे जोड़ना है, एंड पे एक क्या क्रॉस बन जाएगा, ठीक है, इसे साइड में करो। अब बाकी बचता है आपका मिडिल वाला। मिडिल वाला आप कोई सा भी वायर लगा सकते हो कहीं पे भी, यहाँ पे प्लस और माइनस का तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो मिडिल वाला सिंपली आप दो वायर निकाल लेना, ये अपना जाएगा यहाँ पे, मोटर प्लस और माइनस का वायर इसके मिडिल में लगेगा। बाकी इस पॉइंट से आप दोनों वायर एक्स्ट्रा निकाल के रखना, चाहे यहाँ से निकाल लो यहाँ से निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वर्क सेम ही करेगा ये। तो यहाँ का जो वायर जाएगा ना, ये हमारा ट्रैक पे लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने फीमेल कनेक्टर पे लगा दिया, ठीक है, तो ये वाला ट्रैक का कनेक्शन हो गया अपना। और ये सेंटर वाला हमारा जाएगा ये स्पीड कंट्रोलर में, और ये वाला जाएगा हमारा डीसी इनपुट 12 वोल्ट इनपुट, ठीक है, सिंपली सा है मैंने जो आपको बता दिया। अब इसे लगा देते हैं, अब जो हम ट्रैक पे लगाएंगे वो है जंपर के थ्रू। सिंपली ये वाला सेक्शन यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, ये वाला यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, और एलिगेटर पिन जाएगा अपना ट्रैक पे, ठीक है गाइस। और एडिशनली मैं इसमें वोल्टेज मीटर ऐड ऑन करने वाला हूँ और डायरेक्शन का लाइट लगाने वाला हूँ, मतलब फॉरवर्ड करोगे तो ग्रीन लाइट जलेगी, बैकवर्ड करोगे तो रेड लाइट जलेगी। बहुत ही सिंपल है, मैं फटाफट से करके फिर मैं आपको इसका भी वायरिंग बता दूंगा कैसे क्या करना है आप लोगों को। सो गाइस फाइनली यहाँ पे अपना कंट्रोलर बन चुका है 100%। और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने वोल्टेज मीटर ऐड ऑन कर दिया और डायरेक्शन लाइट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था मैं ग्रीन और रेड यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन इसमें मैंने ग्रीन का यूज़ ना करते हुए यहाँ पे ब्लू LED का यूज़ करा, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए है और बैकवर्ड का रेड लगा के रखा है, क्योंकि ये जो है ना वोल्टेज मीटर ये ग्रीन कलर का, इस वजह से ही मैंने यहाँ पे ग्रीन लगाया ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा बेकार लगते हैं इन दोनों ग्रीन के आपस में, तो कलर कॉम्बिनेशन का भी मैं ध्यान रखता हूँ। तो एक बार मैं आप लोगों को वायरिंग बता देता हूँ, इनका तो बता ही चुका हूँ, फिर भी और एक बार बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो DC इनपुट, तो यहाँ से आएगा अपना एडेप्टर, एडेप्टर लगने वाला है 12 वोल्ट का। इसका जो प्लस और माइनस है यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो PWM जो कंट्रोलर है इसका वोल्ट प्लस और माइनस में, और ये जो स्विच है इसका जो मिडिल वाला पॉइंट है ये कह सकते हो ये मोटर प्लस और माइनस में लगने वाला है, यहाँ पे देख सकते हो मोटर प्लस और माइनस, और इस इनका तो मैंने वायरिंग बताई दिया आप लोगों को। देन अब आते हैं इसका ये वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर से देख रहे हो यहाँ पे 3 वायर जा रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव और ये है डाटा का, वाइट वाला होता है डाटा का, तो नेगेटिव वाला मैंने लगाया। देखो हमें इसमें शो करना है वोल्टेज अप डाउन होते हुए, तो ये नॉब घुमाएंगे तो मोटर का वोल्टेज अप डाउन होगा ना, तो यहाँ पे कनेक्शन करना है आपको। यहाँ पे देख सकते हो ये ब्लैक ग्राउंड मैंने कॉमन यहाँ पे रखा है मैंने, मोटर माइनस में और रेड और वाइट को
लगा दिया मैंने मोटर प्लस में। तो सिंपली इसका वायरिंग है। और अब आते हैं डायरेक्शन लाइट में। अब डायरेक्शन लाइट का देखो, तुम कोई सा भी कलर ले सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइस, अब आते हैं इन लाइटिंग की वायरिंग की ओर। ये ध्यान से समझना, आगे आप लोगों का काम आएगा। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, क्योंकि अंदर का माहौल देख ही सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा तामझाम है, तो इस वजह से मैंने सोचा अलग से ही समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो लाइट का यूज़ करा। जैसे ये मान के चलो, ये है अपना ब्लू लाइट, ठीक है, ये अपना रेड लाइट। यहाँ से दो वायर निकल रहे हैं, यहाँ से दो वायर। ये है माइनस, ये है माइनस, ठीक है, ये है प्लस का, ये है प्लस का, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कोई सा भी लाइट कैसे भी लगा सकते हो, बाकी डायरेक्शन का इससे चेक कर लेना कौन सा अप डाउन करने से जलता है, देख लेना। इसका माइनस इसका प्लस जोड़ देंगे, और इसका प्लस इसका माइनस जोड़ देंगे, मतलब अपोजिट लगाना है आप लोगों को, तभी ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। अदरवाइज प्लस और प्लस और माइनस जोड़ दोगे तो एक ही डायरेक्शन में चलेगा। मान लो प्लस और प्लस और माइनस लगा दिया आपने, तो मान लो आपने फॉरवर्ड किया तो फॉरवर्ड में ही दोनों ग्लो करेगा, या बैक मोड पे दोनों ग्लो करेगा, ठीक है। इस वजह से आपको दोनों उल्टा लगाना है। आई होप समझ गए होगे। देन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पे दो टर्मिनल हो गए अपना, कोई सा भी टर्मिनल ले लो आप, ठीक है, ये यहाँ से जा रहा है और ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है, समझना। आप कोई सा भी एक टर्मिनल यहाँ पे हो, 1K का रजिस्टर लगाना है आपको। मान लो ये है 1K का रजिस्टर, ये है रजिस्टर का साइन, तो मैंने 1K का रजिस्टर मान लो एक टर्मिनल में लगा लो, कहीं से भी लगा सकते हो, यहाँ पे या यहाँ पे, दोनों साइड ही वर्क करेगा। अब ये सिंपली जाएगा अपना यहाँ पे, जो अपना ट्रैक का जो इनपुट है यहाँ पे लगा दिया, ये जा रहा है अपना ट्रैक पे। आई होप आप समझ गए होंगे। और यही चीज अपना यूज होता है मॉडल ट्रेन में, मॉडल ट्रेन इन द सेंस, मान लो ये हमारा ट्रेन है, मैं तो अभी ऐसे कर रहा हूँ, ये है अपना हेडलाइट, ये है अपना यहाँ पे दो रेड मार्किंग लाइट, ठीक है, यहाँ पे व्हाइट मार्किंग लाइट होती है, हेडलाइट प्लस दो मार्किंग लाइट व्हाइट, और ये येल्लो। तो एज इट इज सेम चीज इसके अंदर भी लगा रहता है, लोकोमोटिव कह लो, तो इसी से ही ऑपरेट होता है। मान लो फॉरवर्ड करा हमने, ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड पे क्या, जैसे मैंने ब्लू लाइट जलाया तो ये जलेगा, एज इट इज यही सर्किट डायग्राम इसके अंदर, सर्किट इसके अंदर होगा, डायग्राम कर दूंगा, तो इससे क्या होगा, हेडलाइट जलेगा और पीछे का दो रेड लाइट मार्किंग लाइट, ठीक है। तो सेम अगर बैकवर्ड करूंगा तो ये रेड लाइट जल जाएगी कंट्रोलर का, और ट्रेन में यहाँ पे आपका हेडलाइट जल जाएगा और यहाँ पे आपका रेड लाइट जल जाएगा और यहाँ पे व्हाइट लाइट। आई होप आप समझ गए होंगे, मॉडल ट्रेन में बस यही होता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो अब मैं आपको इस कंट्रोलर का यूज करके दिखा देता हूँ। और एक बात गाइस, जो मैंने वायरिंग इसमें यूज करा है ना, ये वाला वायर बहुत ही बेकार है, मतलब ठीक ठाक चल जाएगा, ज्यादा लोड झेल नहीं पाता, तो मैंने ज्यादा लोड दे दिया था ना, इसमें भी सेम वायर लगाया था मैंने, तो वो वायर जल चुका था। तो याद रखना, ऐसा वायर लो जो 12 वोल्ट और ज्यादा एम्पियर सह सके। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल बिजली वाला वायर लगा दिया, ये देख सकते, देख के तो समझ गए होंगे, ऐसे ट्विस्ट करके रहता है जो, वैसा वायर लगा दिया मैंने इसमें, अब बहुत ही ज्यादा परफेक्टली वर्क कर रहा है। और हाँ, आप लोगों को चला के दिखा देता हूँ, फिलहाल तो मेरे पास ट्रेन नहीं है, तो मैं आप लोगों को ये मोटर चला के दिखाऊंगा। सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे हम 12 वोल्ट का कनेक्शन, देखो इसके अंदर हमने डाल दिया 12 वोल्ट का कनेक्शन, ये ऑफ है, इस वजह से कुछ नहीं जल रहा। इसमें लगा दे अपने पिन, ये रहा वायर का टर्मिनल, एक वायर यहाँ पे लगा देते हैं मोटर में, एक वायर अपने इसमें लगा देते हैं प्लस वाला प्लस में, ठीक है। ये रहा फैन, फैन अभी टूट गया, एक ब्लेड टूट गया और एक मैंने तोड़ दिया ताकि पैरेलल चल पाए। और देखना, करते हैं इसे फॉरवर्ड, पहले तो इसे ऑन करते हैं, देखो फॉरवर्ड में ब्लू लाइट जल रहा है यहाँ पे, नीचे करूंगा रेड लाइट, ये देखो सेम ऐसा ही क्या ट्रेन में वर्क करता है, हेडलाइट और मार्किंग लाइट। अब मेरे को इसका टेक्निकल रीज़न तो नहीं पता, मैं इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कम वोल्ट शो नहीं कर रहा, इसमें पता है वोल्ट कब शो कर रहा है, 5 वोल्ट से अबव, ठीक है, मैं बताऊँगा ये चलेगा, इस साइड चल रही है, देखो इस साइड इस डायरेक्शन में चल रहा हो, इस साइड चल रहा है ना, ऐसे करूँगा तो उल्टा डायरेक्शन में चलेगा, ये देखो उल्टा डायरेक्शन चल रही है। देखो फुल स्पीड में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखना आप, जैसे मैंने इसमें फुल थ्रॉटल दिया, देखा आपने बहुत ही ज़्यादा तेज चल रहा था ये, और यहाँ पे 10 वोल्ट शो कर रहा था, यहाँ पे तो हमने 12 वोल्ट डाला है, यहाँ पे 10 क्यों शो कर रहा था, क्योंकि इस मोटर के लोड के कारण। अब ये मोटर हटा दूंगा तो अब देखना प्रॉपर 12 वोल्ट,
कई सारे टेक्निकल रीजन होते हैं भाई इस लगाने का। अब इसे रिवर्स में तेज चला के दिखा देता हूँ। फुल में 10.7 वोल्ट शो हो रहा था ना, क्योंकि मोटर में इस पंखे के कारण लोड था। अभी इसे हटा के एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। दिखा रहा था ना 11.5। तो ऐसे कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से मैंने ये वाला वोल्ट मीटर यहाँ पे यूज़ करा है। और ये अप टू 100 वोल्ट तक सपोर्ट करता है ये वाला सिस्टम। तो इसका मतलब यानी 100 वोल्ट डाल दो, 100 वोल्ट का यूज़ नहीं करूँगा मैं, सिंपली मैक्सिमम 24 वोल्ट और मिनिमम 12 वोल्ट। वो तो अपकमिंग प्रोजेक्ट में डिपेंड करता है मैं कौन सा ट्रेन यूज़ करता हूँ। तो फिलहाल तो मैं 12 वोल्ट का ही ऑपरेशन वाला ट्रेन बनाऊँगा। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो फिर मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग मेकिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।